आज की वीडियो में आपको GTA एंड रॉकस्टार गेम्स के ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो रॉकस्टार गेम्स नहीं चाहता कि आप जानो। बिकॉज कुछ महीने पहले ना एक रॉकस्टार गेम्स के एक्स एम्प्लॉय ने ब्लॉग स्टार्ट किया था एंड वहाँ वो बिहाइंड द सीन स्टोरीज डालने लग गए। ये है ओबे वर्मीज जो कि रॉकस्टार गेम्स में टेक्निकल डायरेक्टर थे एंड इन्होंने GTA 1 से लेकर GTA 4 तक काम कर रखा है। जो बातें उन्होंने बताई ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वो कई सवालों का जवाब भी देती है कि क्या GTA San Andreas में बिगफुट है या फिर नहीं, मून का साइज क्यों चेंज होता है, वाइस सिटी के ज़ॉम्बी गेम का हुआ क्या एंड San Andreas के चीट कोड इतने अजीब क्यों है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखना इसे। बाकी मैं बता दूं कि यार ये वीडियो आप देख रहे हो GTA गुरुजी चैनल पर, जहां मैं GTA सीरीज एंड ग्रैंड आरपी के वीडियोस बनाता हूं, इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो। अब आपको ये पता होगा कि GTA 3 वाइस सिटी एंड San Andreas में अगर आप स्नाइपर का यूज करके मून पे शूट करोगे ना तो उसका साइज चेंज हो जाता है। इसकी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो भाई बताते हैं कि उनको मून का टेक्सचर दिया गया था GTA 3 में एंड कहा गया था कि उसे नाइट स्काई में प्लेस कर दो ताकि वो अच्छा खासा बड़ा दिखे। अब चार डेवलपर्स आते हैं उनपे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मून का साइज क्या होना चाहिए। दो कहते हैं कि मून का साइज छोटा रखो ताकि वो रियलिस्टिक लगे, बाकी दो कहते हैं कि साइज बड़ा रखो ताकि वो सिनेमैटिक लगे। सो इस बहस को खत्म करने के लिए ना ओबे ने मून का साइज तीन तरह से बनाया, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। एंड क्योंकि वो उस टाइम पे स्नाइपर राइफल पे भी वर्क कर रहे थे तो उन्होंने मून साइज को स्नाइपर से लिंक कर दिया कि शूट करने पे साइज चेंज होगा। सो अपना सभी डेवलपर्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कौन सा साइज उन्हें रखना है एंड बता देंगे कुछ टाइम बाद अपना कंक्लूजन। बट वो टाइम कभी आया ही नहीं, उन डेवलपर्स ने कभी बताया नहीं कि भाई कौन सा साइज रखना है एंड इसलिए ये मैकेनिक ना गेम में एज इट इज रह गया। इनफैक्ट GTA San Andreas में भी इसे छोड़ दिया गया। सो कितना इंटरेस्टिंग है यार कि एक फीचर जो कि गलती से ऐड हुआ था वो इस तरह की बन गया गेम का। अब अगर आप चीट कोड्स देखो ना तो GTA 3 एंड Vice City के तो काफी सिंपल से हैं, लाइक नेटर टूल्स या फिर गन्स गन्स गन्स। पर San Andreas के चीट कोड्स बहुत ही अजीब है, लाइक वेपन्स के लिए शायद था UZUMYMW। सो इसका ना कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। वेल डेवलपर ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। सो चीट्स ना बेसिकली कुछ वर्ड्स है जिनसे स्पेसिफिक फीचर अनलॉक हो जाते हैं गेम का। सो GTA 3 एंड Vice City में क्या होता था कि इन चीट कोड्स की एक लिस्ट है गेम की फाइल्स में एंड जब भी कोई बंदा चीट कोड टाइप करता है तो गेम ना उस लिस्ट में से मैच करता है कि भाई ये वाला चीट कोड है या फिर नहीं उसमें, अगर है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। सो हैकर्स क्या करते थे, वो गेम के रिलीज के दिन ना उसकी फाइल्स में जाकर सारे चीट कोड्स पता कर लेते थे। सो इन डेवलपर ने क्या किया, सभी चीट कोड को हैश कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये समझ लो कि चीट कोड को नंबर बना दिया। जैसे गन्स 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 चीट कोड बन गया 951, तो अगर कोई हैकर अब ढूंढने जाएगा ना चीट कोड्स तो उसे नंबर्स मिलेंगे, प्रॉपर चीट कोड्स नहीं। बट लोग भी कौन सा रुकने वाले थे तो उन्होंने रैंडमली अल्फाबेट्स टाइप करने शुरू कर दिए एंड तब उन्हें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल गए जो कि वर्क करते हैं। अपना हैश कोड्स के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि सपोज एक चीट कोड है आई लव स्कॉटलैंड, उसका हैश कोड बना 983, तो वो सेम नंबर ना किसी और वर्ड से भी आ सकता है भले उसका मीनिंग भी ना निकले। तो अगर कोई टाइप करेगा HDLMAAXOPK तब भी सेम 983 आ जाएगा एंड ये चीट कोड ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए GTA San Andreas के चीट कोड्स इतने वियर्ड थे, डेवलपर्स ने तो प्रॉपर वर्ड सोचे थे बट उनका हैश कोड डाला गया था गेम फाइल्स में, सो हैकर्स को वो मिले नहीं एंड लोगों ने रैंडमली अल्फाबेट्स टाइप करके चीट कोड बना लिए जो कि वर्क कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने HESOYAM सुना होगा राइट, HESOYAM, काफी पॉपुलर चीट कोड था। वेल वो रियल नहीं था, उसका एक्चुअल चीट कोड था आई नीड सम हेल्प एंड ये तब पता चला जब गेम को मोबाइल पे रिलीज किया गया। वेल मैंने कई बार बता रखा है कि GTA 3 में एक मल्टीप्लेयर भी होने वाला था जो बाद में कैंसिल हो गया। सो ओबे कहते हैं कि GTA 1 एंड GTA 2 में लैंड डालने के बाद वो GTA 3 में भी सेम करने वाले थे, जिसपे उन्होंने एक महीना काम किया एंड डेथ मैच बनाया। उसमें आप दूसरे प्लेयर्स को गाड़ी से निकाल सकते हो एंड उन्हें मार सकते हो एंड उसी से ही पॉइंट्स मिलते हैं। जो बंदा मर जाएगा वो सिटी में कहीं और रिस्पॉन होगा। सो इंटरेस्टिंग था बट बग्स एंड ग्लिचेस बहुत आ रहे थे एंड उन्हें और भी मोड्स बनाने पड़ते, बट टाइम था नहीं, उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया एंड फिर गेम ऐसे ही रिलीज कर दिया। फिर वाई सिटी में मल्टीप्लेयर डालने के लिए दो प्रोग्रामर्स को हायर किया गया बट वो भी नहीं बन पाया क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम था, सिर्फ एक साल में बनाया गया था वाई सिटी को एंड बहुत ही जल्दी में बनाया गया था। San Andreas तो PS2 का लास्ट गेम था सो उसके लिए बनाने का कोई मतलब था नहीं एंड इसलिए उसमें बस एक सिंपल सा कोऑप मोड ही डाल दिया। वो तो उसके बाद उन्हें अच्छा खासा टाइम दिया गया नेक्स्ट गेम के लिए और तब चार प्रोग्रामर्स और चार लेवल डिजाइनर्स ने मिलकर GTA 4 का मल्टीप्लेयर बनाया। देन GTA 3 से पहले एक और गेम का आइडिया सोचा गया था जो था GTA 2.5D। मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा पहले बट ओबे ने बिहाइंड द सीन स्टोरी बताई कि हुआ क्या था। सो 1995 से 1999 में DMA डिजाइन ने बहुत सारे गेम्स बनाए जैसे बॉडी हार्वेस्ट, स्पेस स्टेशन सिलिकॉन वैली, टैंक टेक्स, वाइल्ड मेटल कंट्री एंड ऑब्वियसली GTA 1 एंड GTA 2। इन 1999 में कंपनी ग्रेमलिन ने खरीद ली बट कुछ टाइम बाद ग्रेमलिन ने कंपनी BMG को बेच दी, जिसके बाद BMG ने उसे टेक 2 को बेच दिया एंड टेक 2 ने रॉकस्टार गेम्स को सेटअप किया जिसके अंडर DMA डिजाइन आया। इस बीच ना नए स्टूडियोज खुले एंड कुछ बंद भी हुए एंड लोगों पे कोई प्रोजेक्ट नहीं था तो हर कोई अपने किसी आइडिया में लगा हुआ था। बॉडी हार्वेस्ट बनाने वाली टीम को आइडिया आया एक गेम का जो आगे चल के मैनेंट बना। लेस्ली और एरन गॉडजिला पर बेस्ड एक गेम बना रहे थे बट फिर उन्होंने सोचा कि GTA सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं एंड उसे 3D बना देते हैं। इस बीच एक टीम को GTA 2.5D का आइडिया आया जो कि सिम सिटी की तरह आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव से खेली जाती, मतलब ये ना ही 2D है और ना ही 3D बट बीच का एक गेम है। ये मायामी में सेट होने वाला था बट फिर डंडी का स्टूडियो जब बंद हुआ तो ये आइडिया भी उनके साथ ही कैंसिल हो गया। अब आपने एक मीम
मीम जरूर सुनी होगी कि भाई इतनी मुश्किल से एक अच्छी कार मिली वाई सिटी में एंड अब वो हर जगह है। सो उसका भी रीजन समझाया गया। तो PS2 में ना मेमोरी लिमिटेड थी एंड बस 6-7 व्हीकल्स ही एक साथ लोड हो सकते थे। भले गेम में 80 या 100 तरह के व्हीकल्स थे बट एक बार में 6-7 से ज्यादा टाइप के व्हीकल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि इतना मेमोरी अलाउ ही नहीं करती। एंड सोचो अगर कोई NPC इंजर हो जाए तो एम्बुलेंस भी आ जाएगी। सो इसलिए अब बचे सिर्फ 6 व्हीकल्स एंड इसलिए आप देखोगे कि यार कुछ 5-6 व्हीकल्स ही यूनिक दिखेंगे, बाकी सब रिपीट हो रहे होंगे। अब सोचो आपके पीछे वांटेड लेवल आ गया तो हेलीकॉप्टर्स, स्वैट वैन्स, पुलिस कार्स आ जाएंगी एंड इसलिए नॉर्मल व्हीकल्स बहुत कम दिखेंगे रोड पे एंड जो दिखेंगे वो भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे। इसी वजह से पुराने GTA गेम्स में ना सेम व्हीकल ही हर जगह दिखाई देते थे एंड सपोज आपने कोई व्हीकल ढूंढ लिया तो वो एक व्हीकल टाइप तो कवर हो गई ना, तो इसलिए उस टाइप का व्हीकल काफी ज्यादा दिखने लगेगा। देन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेवलेशन ये है कि यार गेम में ना कोई बिगफुट था ही नहीं। GTA San Andreas में एक र्यूमर फैल गया था कि माउंट चिलियाड पे बिगफुट है। बहुत से लोगों ने इसकी बात करनी शुरू करी, वीडियोस बनाई, आर्टिकल्स लिखे एंड आज भी कुछ लोग मानते हैं कि बिगफुट एग्जिस्ट करता है, जबकि रियलिटी ये है कि डेवलपर्स ने उसे डाला ही नहीं था और ना ही आज तक उसे किसी ने देखा है, सिर्फ आवाजें ही सुनी है। एंड वो आवाज बिगफुट की नहीं है बल्कि पेट की थी। जी हाँ, GTA San Andreas में ना RPG एलिमेंट्स डाले गए थे, मतलब अगर ज्यादा खा लोगे तो मोटे हो जाओगे और भागने में मुश्किल होगी, बट अगर कुछ नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे एंड आपको भूख लगने लगेगी। उसकी वजह से आपके पेट से आवाज आएगी भूख लगने की, जो आपको बताइए कि कैसी होती है। प्लेयर्स इसी आवाज को बिगफुट समझ रहे थे जबकि उनका खुद का पेट था। सो इससे प्रूव हो जाता कि यार गेम में कोई बिगफुट था ही नहीं, वो तो जो भी आप इमेजेस देखते हो इंटरनेट पर वो सिर्फ मॉड्स ही हैं। देन GTA San Andreas का अगर आप मैप देखो ना तो उसमें अभी 3 सिटीज आपको मिलेंगी जो एक ही मैप पे हैं एंड आप उनके बीच ट्रैवल कर सकते हो सिंपली ड्राइव करके, बट पहले ऐसा नहीं था। ओबे ने बताया कि रॉकस्टार नॉर्थ में 5 लोगों की मीटिंग चल रही थी जिनमें से वो भी एक थे एंड वो सोच रहे थे कि यार सिटीज कैसे बनानी है। अब ना GTA 1 की तरह हर कोई 3 सिटीज चाहता था बट 5 में से 3 लोग कह रहे थे यार सिटीज को ना अलग अलग मैप पे रखो, इससे मेमोरी के इश्यूज कम हो जाएंगे एंड प्लेयर्स के पास ऑप्शन होगा कि यार प्लेन से या फिर बस से जाना है उनके बीच ट्रैवल करने के लिए। अब ये ना एक डिजास्टर आइडिया था जो कि ओपन वर्ल्ड की फील को खत्म कर देता, बिकॉज हर सिटी अपने आप में अलग होती एंड एक से दूसरी में जाने के लिए एक बीच में लोडिंग स्क्रीन आती एंड शायद आपको प्लेन या फिर किसी बस वगैरह का यूज करना पड़ता। बट ओबे इसके अगेंस्ट थे एंड वो चाहते थे कि एक ही मैप पे तीनों सिटीज हो ताकि लोग सिंपली ड्राइव करके उधर जा सके, बट उनके सामने 3 लोग मान ही नहीं रहे थे एंड 4th पर्सन उस दिन आया नहीं था तो वो अकेले पड़ गए। वो तो भाई अगले दिन वो बंदा आया एंड उसे भी आइडिया अच्छा लगा तो उसने बाकी को समझाया कि हाँ भाई एक ही मैप पे तीनों सिटीज रखते हैं वरना भाई GTA San Andreas का क्या ही होता। देन आपको एक जॉम्बी गेम के बारे में भी मैंने कभी बताया ही होगा, तो GTA Vice City बनाने के बाद रॉकस्टार नॉर्थ में डेवलपर्स कुछ अलग बनाना चाहते थे जो GTA ना हो, बिकॉज वो बोर हो गए थे यार। कुछ गेम आर्टिस्ट के सजेशंस पे उन्होंने एक जॉम्बी गेम पे वर्क करना शुरू किया जिसका नाम Zed सोचा गया था। उसमें Vice City का कोड ही यूज किया जाता जहां प्लेयर पे कॉन्स्टेंटली जॉम्बीज अटैक कर रहे होते, सो वो कार्स का यूज करके जाते एक जगह से दूसरी जगह, बट उसके लिए ना फ्यूल बहुत जरूरी पड़ता एंड इसलिए फ्यूल एक मेजर पार्ट होने वाला था गेम का। बट फिर डेवलपर्स को बनाने में मजा नहीं आ रहा था एंड अराउंड 1 महीने बाद वो नेक्स्ट GTA पे काम करने लग गए, जो था GTA San Andreas। फिर ओबे ने यह भी बताया कि GTA San Andreas के बाद टीम सही में सोचने लगी कुछ और करने की एंड वो GTA से डिफरेंट गेम बनाना चाहते थे। लेस्ली बेंजीज को आइडिया आया कि एक जेम्स बॉन्ड जैसा स्पाई गेम बनाते हैं एंड ये आइडिया रॉकस्टार गेम्स को भी काफी पसंद आया, तो रॉकस्टार नॉर्थ की टीम स्प्लिट कर दी गई, आधी एजेंट पे वर्क करेगी एंड आधी नेक्स्ट GTA पे जो कि GTA 4 होने वाला था। अब इस एजेंट गेम को ना इंटरनली जिमी कहा जा रहा था, ये एक 70s का गेम होता एंड यहाँ पे काफी सारे मिशंस होते जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे सेट थे, लाइक फ्रेंच मेडिटेरेनियन सिटी, स्विस की रिजॉर्ट, कैरो एंड फिर आखिर में स्पेस में भी एक मिशन होता जहाँ पे लेजर्स का यूज हो रहा है। सब इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे एंड अराउंड 1 साल इस पे काम चला, बट स्टिल प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। वैसे भी ना GTA उनकी प्रायोरिटी थी एंड उन्हें पता था कि यार कुछ टाइम बाद हमें GTA पे वापस से काम करना शुरू करना है, तो इसलिए बहुत से मिशंस भी कट करे गए। बट कुछ टाइम बाद पूरी कंपनी को ही कहा गया कि भाई आप एजेंट को छोड़कर GTA 4 पे वर्क करो बिकॉज वो मेन गेम है। सो एजेंट को किसी और स्टूडियो को दे दिया गया, बट उन्हें भी समझ में आ गया था कि यार एजेंट गेम नहीं चलने वाला एंड इवेंचुअली वो कैंसिल ही हो गया। देन डेवलपर ऐसी एक और फन सिनेरियो बता रहे थे कि GTA 3 एंड Vice City के बाद ना गेम का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग पागल हो गए थे नेक्स्ट गेम के लिए। गेम की लॉन्च रात के 12 बजे होती है क्योंकि नया दिन तभी स्टार्ट होता है। सो GTA San Andreas की लॉन्च भी रात के 12 बजे हुई। अब चाहे रात को कितनी बारिश हो रही हो, ठंड हो, बट उसमें भी ना स्टोर्स के आगे 50 मीटर की लाइनें लगी हुई थी जहां लोग वेट कर रहे थे कि उनको गेम कब मिलेगा, और जैसे ही उनको मिले वो घर भागेंगे एंड इसे खेलना शुरू कर देंगे। सोचो जब GTA 6 आएगा तब कितनी लंबी लाइनें लगने वाली है स्टोर्स के आगे। सो यार ये थे कुछ बिहाइंड द सीन्स स्टफ एंड डेवलपमेंट स्टोरीज जो कि वो शेयर कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट सैड कि यार उन्होंने ये ब्लॉग बंद कर दिया क्योंकि यार ये स्टोरीज ना पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। बेसिकली रॉकस्टार गेम्स में उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई इतना ज्यादा भी मत शेयर करो एंड इसलिए उन्होंने इसे बंद करना पड़ा, बट आई होप कि इन फ्यूचर वो वापस आए एंड ऐसी मजेदार किस्से सुनाएं। सोचो अगर GTA के पुराने डेव्स मिलकर एक पॉडकास्ट ही शुरू कर ले एंड अपनी डेवलपमेंट स्टोरीज बताते तो कितना मजा आएगा, बट नहीं भाई रॉकस्टार इतनी सीक्रेटिव कंपनी है कि वो अलाउ ही नहीं करेगी कभी। खैर अगर आपको GTA 6 में आने वाली लोकेशंस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, GTA गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।